माशाल्लाह साढ़े ब्लैक विंग ने दो बच्चे कढ़े हैं सा। मैं क्या माशाल्लाह विखावा यह सारिया सब्जियां ऐसी इन्हों इस्तेमाल करानिया ने। अब बर्तनों में हमने जो है ना इस तरह ये लगा दी है। बर्ड की आइज इन्फेक्शन ये देखें, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बहरहाल अल्लाह खैर करे। और आगे हैं तो ये जावा की जो रेसिपी है ये चेक करें, जावा को डेली बेसिस पे हमने ये डालना है। चलो सारी फिंचों को ये जो ब्रीक हमने बुरादा बनाया है ना इधर से शुरू हो जा, साथ ही खाने आ गए। देखिएगा कि आप जब इनको बर्ड को लगाएंगे नेचुरली सोर्स है, ये देखें सारे जी। उस्ताद जी 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 अस्सलाम वालेकुम, व्यूअर्स के हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जुमातुल मुबारक का दिन है, पसीने ऐ पसीने भैड़ा हाल है, मूँह जरा ना टिशू ना साफ किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डब्बे की इंस्पैक्शन कर रहा हाँ। माशाल्लाह साढ़े ब्लैक विंग ने दो बच्चे कढ़े हैं सा। मैं क्या माशाल्लाह विखावा, माशाल्लाह दो छिया अंडे जो सिर्फ दो बच्चे निकले। वजह की है गर्मी तबाह दे, गर्मी ने हर शह जी दरम बरम करती, सडनली एकदम जी गर्मी आ गई है, इन्हें कह लो कि हर शह जी ना खुडे लाइन लगाती है। ये तो बचने से डिफरेंट टाइप के हरबे जड़े ने ना इस्तेमाल करने ने वो आए कि गर्मी के याद रखा जाए तोते दाना बिल्कुल घट खाएंगे, पानी ज़्यादा पीएंगे, पानी ज़्यादा पीने की वजह ना इन्हों जी इन्ह की गर्मी है वह दूर होएगी। छोटे उस्ताद साहब तेरे कूलर का पानी भर गया, पहले वो बंद करो वो वेखो। लो जी वो कैमरा मैनू फड़ाओ। दूसरा जरा भी वो गलबात हो रही है गर्मी के मुतलक, कूलर साडा है वेखो पानी वाले लाहौरी कूलर असा दोनों फ्लोर के लगाए ने नीचे हाल के उत्ते चलने उत्ते भी तुम विखाने। तो अज के हफ्ते च दो तो तीन दिन असं सब्जियां दे रहे हैं। यह वेखो यह सारिया सब्जियां ऐसी इन्हों इस्तेमाल करानिया ने। ये खर्चा तो होंगे सर सीजन और जो बर्ड तुम कुछ दे नहीं ना रहा, तो यह कह लो कि 250-300 रुपया मैं ला के आया। कोई सलाद का पत्ता है, ये गाजर ने चैना चुकंदर है बंद गोभी है उसना बाद पुदीने के पत्ते ने, इन सारे अच्छी तरह जफ्फी पवा देनी है। तो सर्दियाँ थोड़ा थोड़ा सारे तोतिया छोटा उस्ताद हमें तेरे सामने लाएगा, नाल नाल मैं तेरे ना डिस्कस करता जाना मामला। यह दिन के सर असी इन्ह के पानी बर्तन नहीं जड़े ने ना खाली होते ने, पानी कटना फौरी तौर पर रख देना। पानी अगर चुकया रहा तो सर जो जी गर्मी पै रही तोता मिनट भी नहीं लाएगा। थोड़ा थोड़ा वेखो सारू सारू आइए, थोड़ा थोड़ा सारू इंशाल्लाह पावे तो वेखिया जो सारे बड़ा खान गए भी अज सारे अपने नवे नवे घर की दुआ कर खा, क्योंकि जिन्नी भी यानी कि चीज़ा ने नैचुरली तौर पर इन्हों इलैक्ट्रोलाइट तसीर ठंडी है जिन्हों के बच्चे ने उन्होंने ज़्यादा पा रहे हैं खान। यस कमांडो हो जाए बस यही दुआ है। दूसरा दोस्तों, बहुत से दोस्त जो है ना पूछ रहे हैं कि इन दिनों इलेक्ट्रोलाइट हम कौन से यूज़ करवाएं कि बर्ड हमारे जो है ना हीट स्ट्रोक हीट वेव्स और अचानक जो मोर्टैलिटी आ रही है उससे कंट्रोल हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है, लाजम है आप अपने बर्ड को उस जगह पे रखें जहाँ पे छाँव है, धूप में बर्ड नहीं होना चाहिए, कूलर का इस्तेमाल करें क्रॉस वेंटिलेशन दे, लाहौरी कूलर जो पानी वाला आजकल चाइना के कूलर आए हुए हैं या कह लो कि वो बलिनो मोटर लगी है 12 वोल्ट के, वो छोटा सा कूलर 8-10 हज़ार का मिल जाता है। अगर आपने बर्ड देखें रखना है तो उसके लवाजमात वो भी हमें बियर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो हमने तो खैर हमारे पास तो सारे इक्विपमेंट पड़े हैं जो टाइम टू टाइम यूज़ होते रहते हैं। तो आप इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई भाई जिनके यानी कि कोई दूर कस्बे गाँव या पहाड़ों वाली साइड से है तो उसमें यार मोहल्ले में मेडिकल स्टोर ज़रूर होगा, आप ग्लूकोज ले आए उधर से ORS ले आए, ये दोनों चीज़ें और कैल्शियम, कैल्शियम जो होती है ना CaCl कैल्शियम जो खट्टे रंग के लेबल जो है ना ऑरेंज कलर के वो फॉइल में सिल्वर फॉइल जो होती है उसके अंदर पैक होती है CaCl 1000 वो टैबलेट का नाम है। एक टैबलेट 1 लीटर पानी में और हाफ साशे निमकोल का और 2 चम्मच टीस्पून के आपने ग्लूकोज के ये आपने महलूल बना के अपने बर्ड को दे देना है भाईजान। तो ये वो है सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइट और दस्ती जो है ना अवेलेबल, वो आप देंगे इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड हाँपना बंद कर देंगे। अगर आप देखें कि अगर नहीं है
तो बर्ड हाँप रहे हैं तो आप शावर कर सकते हैं उनके ऊपर, शावर से पानी मारेंगे तो बर्ड फिर भी कूल डाउन हो जाएंगे, वो जो गर्मी की वजह से जो उनका बुरा हाल है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब बर्तनों में हमने जो है ना इस तरह ये लगा दी है। अभी कुछ ही देर तक मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर का जो मामला बनाया छोटे उस्ताद साहब जी, सारियां पाना है, आ जाएगा टेंशन नहीं लेनी। गर्मी की वजह से देखें कि बर्ड की आइज इन्फेक्शन, ये देखें इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाहर अल्लाह खैर करे। गर्मी की वजह से इसकी आइज पे देखें कैसे पीप बन रही है, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो रेड आइज का ये हाल होगा। रेड आइज को सर्वाइव करवाना ही सबसे जो है ना मुश्किल मरहला है मेरी नज़र में। तो अब धूप भी आ रही है, ये देखें नीचे फर्ज पे तो धूप अंदर आ रही है, खैर धूप का इतना इशू नहीं है, हल्की फुल्की धूप है क्योंकि ये जाते हुए टाइम की धूप होती है। तो ऊपर के लिए जो मैंने रेसिपी तैयार की है वो भी सेम है, बट ये है कि वो बरीक है, मटेरियल मज़ीद चॉप किया है क्योंकि ये हमारी गोल्डियन फिंच, जावा फिंच, ये इन सब ने खाना है। तो ऊपर जो है वो थोड़ा दादर मादर था, नीचे वाला जो है ना पूरी बरीक करके हमने बना के रखा है। लें जी अब ऊपर आ गए हैं तो ये जावा की जो रेसिपी है ये चेक करें, जावा को डेली बेसिस पे हमने ये डालना है। चल छोटे उस्ताद अभी कल इनको छलियाँ भी डाली हैं, वो ये तो छलियाँ देखें माशाल्लाह, ये दरवाजे का ज़रा ध्यान रखिएगा, ये चेक करें माशाल्लाह जावा वगैरह माशाल्लाह हैप्पी हैं, ये पट्टे वगैरह निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनको अब डाल दिया, ये खाएंगे लुत्फ अंदोज़ होंगे और दुआएँ देंगे। चल छोटे उस्ताद अंदर जल्दी जल्दी टप मुड़े कर, ये ले ये देखें जी, अब ये सारी फिंचों को ये जो ब्रीक हमने बुरादा बनाया है ना इधर से शुरू हो जा, बिस्मिल्लाह जो बड़ी कलोनी है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना, मैं कहता हूँ कलोनियों में बाद में, कलोनियों में पहले ये चेक करें। ये भाई साहब हमने डालना है तो बचत होनी है, अदरवाइज बर्ड ने नहीं जो है ना सरवाइव करना। उधर सामने वाले पोर्शन में भी डालें, सबको डालें जो केजीज हैं, ये देखें डाला है, साथ ही खाने आ गए हैं। देखिएगा कि आप जब इनको बर्ड को लगाएंगे नेचुरली सोर्स है, ये देखें सारे जो है ना, अभी मैं पास खड़ा हूँ आवाज़ दे रहा हूँ, यानी कि आवाज़ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ना पीछे पीछे हो रहे हैं, नहीं तो ये तो कह लें कि भूखे हैं, ये हमें खाने को कुछ मिले इंजॉय करेंगे। देखें आपके सामने और सामने देख लें, वो भी देख रहे हैं नीचे, वो देखें ऊपर आ गए हैं, खाना शुरू कर दिया कनालियों में, ये चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली आपको बताया हमने यही है कि हमने किस तरह से इनको केयर टेक करना है ताकि कोई मोर्टैलिटी ना आए और बर्ड हैप्पी रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज जुमे का जो व्लॉग बनाया आपको देख के मज़ा आया होगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।